प्रकृति मनुष्य के लिए एक वरदान है। न जाने कितने ही पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी पेड़ के पत्ते, किसी पेड़ के फल और किसी पेड़ की लकड़ी या जड़ तक औषधि के रूप में काम आती है। लेकिन दुनिया में कई अनोखी चीज़ें भी हैं। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज हम आपको बताते हैं। आज हम आपको एक रहस्यमय पेड़ की कहानी बताते हैं। इस पेड़ को जब काटा जाता है तो इसमें से खून निकलता है। जी हाँ, इस पेड़ को जो भी काटता है वो इस बात का गवाह है कि काटने पर हमेशा इस पेड़ से खून निकलता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले सागून प्रजाति के टेरिकॉर्पस एंजुलेंसिस पेड़ को जब काटा जाता है तो इसमें से खून निकलता है। चौंकिए मत, ये कोई असली का खून नहीं है। दरअसल इस पेड़ को काटने पर इसमें से गाढ़ा गोंद निकलता है जो लाल रंग का होता है, इसलिए लोग इसे खून की तरह समझते हैं और इस पेड़ को ब्लडवुड ट्री भी कहा जाता है। इस पेड़ की लकड़ी को कई तरह से उपयोग किया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी लचीली होती है और आसानी से मुड़ जाती है, साथ ही ये सिकुड़ती भी नहीं और ये हाई क्वालिटी की लकड़ी है जिसे फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इस पेड़ की लकड़ी में कई औषधीय गुण भी है जो कई सारी बीमारियों से हमें बचा सकते हैं। ये इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को भी ठीक कर देता है। ये दाद, आंखों की परेशानी, पेट की समस्या, मलेरिया, गंभीर चोट को ठीक करने के साथ रेड ब्लड सेल्स को डेवलप करता है। इतना ही नहीं, ये ब्रेस्ट में दूध की सप्लाई को भी बढ़ाता है। इस पेड़ के आकार की बात करें तो ये 12 से 18 मीटर लंबाई का होता है। इसकी छाल भूरे रंग की होती है। इस पेड़ में से निकलने वाले खून जैसे तरल पदार्थ की वजह से टूरिस्ट बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। आपको ये भी बता दें कि इसमें से निकलने वाले पदार्थ का उपयोग डाय बनाने में किया जाता है। वहीं किसी किसी क्षेत्र में इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा आपने, दुनिया में कितनी अजीबोगरीब चीज़ें हैं। वो पेड़ भी है जिसे काटने पर खून निकलता है, जैसा कि लोग कहते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।